गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियोस में आपने डिफरेंट टाइप के होम्स के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न टाइम के होम्स कैसे होते हैं, जो हाउस होते हैं, एंड जो पास्ट टाइम पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम घर होते थे वो कैसे होते थे, अर्बन एरियाज़ में घर कैसे होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह होती हैं, एंड जो रूरल एरियाज़ होती हैं, गाँव कस्बे, इनमें घर कैसे होते हैं और कैसे टाइम के साथ साथ जो गांवों बस्तियों के घर हैं उनमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्लम्स। आई थिंक आप सभी को स्लम्स के बारे में पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लास में भी स्लम के बारे में पढ़ा था कि स्लम्स क्या होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश में, जॉब के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं अपने गाँवों को छोड़कर। These people often take up jobs as construction workers, mechanics, domestic help and rickshaw pullers. और इन लोगों को जो बड़े बड़े शहरों में आने के बाद में कैसी जॉब मिलती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे एज ए वर्कर जॉब मिलती है, या फिर मैकेनिक का काम करने लगते हैं, या फिर कोई और डोमेस्टिक जो हेल्प होती हैं कि वो किसी के घर पे कोई काम कर रहे हैं ये, या फिर रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तो जो गाँव से जो लोग आते हैं वो शहरों में जॉब के लिए, कोई भी छोटा बड़ा जो भी उन्हें काम मिलता है उनके लिए वो शहरों की तरफ जाते हैं। हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर एक्सपेंसिव। तो जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में जो घर होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। अब जो गाँव से लोग गए हैं उनके पास शहरों में रहने के लिए खुद का घर तो होता नहीं है, एंड रेंट पे रहने के लिए वो घर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। समटाइम्स पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई और बिल्ड हाउस फॉर देमसेल्स। कई बार होता है जो गरीब लोग होते हैं वो अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा हाई रेंट वाले घर में भी नहीं रह पाते हैं और ना वो कोई घर को खरीद पाते हैं। इंस्टेड दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स विद व्हाटएवर चीप मटेरियल्स दे कैन गेट। तो बड़े बड़े घर, खुद का घर, खुद का फ्लैट, इनकी जगह वो क्या करते हैं, अपने खुद का कुछ, मतलब कुछ ऐसे चीप मटेरियल होते हैं जिनकी वजह से वो अपने लिए शेल्टर बनाते हैं, ओके। जिसे पक्का हाउस हम नहीं कह सकते हैं, तो वो खुद को रहने के लिए, वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वो खुद से कुछ चीज़ों से अपना घर, जो अपना शेल्टर होता है वो बनाते हैं, लाइक प्लास्टिक एंड टीन शीट्स। जैसे प्लास्टिक का जो प्लास्टिक शीट आती है, या फिर जो टीन शीट, लोहे की शीट, जो शेड होता है उसको लगाकर अपना घर बनाते हैं। आपने देखे होंगे इस टाइप के कई घर जिसमें मतलब रूफ़ नहीं होती है, छत की जगह पर वो लोग टीन शेड या फिर प्लास्टिक के जो कवर्स होते हैं वो लगाकर रहते हैं। इन एम्प्टी एरियाज़ इन द सिटी दीज प्लेस आर कॉल्ड स्लम्स। शहरों की जो खाली जगह होती हैं आउटर साइड में, या फिर सिटी में कुछ एरिया ऐसी होती है जो खाली, मतलब गवर्नमेंट की कुछ खुली एरिया होती है जहाँ पर कोई बिल्डिंग या फिर कुछ भी फैक्ट्री वगैरह नहीं बनी हुई होती है, जो ओपन एरिया होती है, तो ये लोग क्या करते हैं वहाँ पर अपने घर खुद बनाते हैं टीन शेड के हेल्प से, या प्लास्टिक शेड जो होती है उसकी हेल्प से, चीप मटेरियल्स की हेल्प से। और इन घरों को बड़े बड़े शहरों में जो खुले ओपन स्पेस पे बहुत जो गरीब लोग होते हैं वो अपना खुद से घर बना के रहते हैं, उन एरियाज़ में जो घर होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्लम्स। समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ वेस्ट मटीरियल टू बिल्ड देयर हट्स। और कई बार वो लोग ऐसे वेस्ट मटेरियल को भी काम में लेते हैं अपनी हट्स बनाने के लिए, जो घास फूस होता है, प्लास्टिक होते हैं, जो भी मतलब कचरे में उन्हें जो भी सामान मिलता है जिसकी वजह से वो अपना शेल्टर बना पाए, तो इन घरों को बोलते हैं स्लम्स, जो कि बड़े बड़े शहरों में गरीब लोग ओपन प्लेस पे अपना घर खुद से बना के रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्लम्स।